गाइस वेलकम बैक। आज मैं बात कर रहा हूँ सेल्स रिपोर्ट की टू व्हीलर्स की, और ये टू व्हीलर्स की जो सेल्स रिपोर्ट है ये बेसिकली पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल को मिला के मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस महीने के स्टार्टिंग में मैंने आपको सितंबर मंथ की ईवी सेल्स रिपोर्ट बता चुका, बट उस लिस्ट में जितनी भी कंपनियां थी जितनी भी गाड़ियां थी वो सारे के सारे ईवी से रिलेटेड थे। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली पेट्रोल और इलेक्ट्रिक को मिला के, क्या हमारी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिक इतना ज्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में वो पेट्रोल ओरिएंटेड गाड़ियों को टक्कर दे पा रही है? तो आज की इस रिपोर्ट में पूरा का पूरा खुलासा हो जाएगा। टॉप 10 कंपनियां और टॉप 10 गाड़ियां कौन सी है अभी के टाइम में इंडियन मार्केट में टू व्हीलर्स में जो यहां पे रिलाई कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं 10th पोजीशन की, तो यहां पे है हीरो की डेस्टिनी। 125 सीसी की गाड़ी आती है और ये एक आईसी इंजन वाला मॉडल जो कि हीरो कंपनी की तरफ से आता है। इन्होंने सेल्स किया है सितंबर मंथ में 15,270 यूनिट। वही 9th पोजीशन की बात करते, अगेन ये एक आईसी इंजन है, यामा कंपनी की तरफ से आती है, यामा रे जेड आर, और इन्होंने सेल किया है सितंबर मंथ में 15,904 यूनिट। 8th पोजीशन में आती है सुजुकी कंपनी की बगमैन, ये एक मैक्सी स्कूटर है, 125 सीसी की गाड़ी है और इन्होंने सेल किया 17,506 यूनिट। 7th पोजीशन में एक्चुअल में अब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी आ रही है, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। इन्होंने सेल किया 18,647 यूनिट। ये रिटेल की रिपोर्ट बता रहा हूं ना कि वाहन पोर्टल की। इसके बाद आती है 6th पोजीशन की, तो यहां पे है टीवीएस आई क्यूब। यस, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इनके रिटेल सेलिंग की बात करें तो ये हुई है 20,276 यूनिट और ये ओला से ज्यादा सेल हुई है। हालांकि वाहन पोर्टल में देखेंगे तो टीवीएस की गाड़ी कम सेल हुई है ओला की कंपेयर में, बट अभी तक रिटेल के हिसाब से रिपोर्ट देखा जाए तो टीवीएस ने ज्यादा सेल किया है ओला कंपनी से। ये रिपोर्ट आ चुकी है सितंबर मंथ की। बात करते हैं 5th पोजीशन की, तो यहाँ पे होंडा टेक ओवर करना स्टार्ट कर देता है, होंडा की डियो जो कि लगभग सेल हुई है 23,979 यूनिट। 4th पोजीशन में टीवीएस की एंटॉर्क, और आपको कंफ्यूजन ना हो, टीवीएस आईक्यूब के अंदर ही मैं दूसरी गाड़ी को ऐड कर रहा हूं, वैसा नहीं है। टीवीएस की जो दूसरी गाड़ियों ने जितना सेल किया वो भी इस लिस्ट में, जैसे कि अभी आया है एंटॉर्क, इन्होंने सेल किया 32,103 यूनिट सितंबर मंथ में। टॉप 3 लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोई कंपनियां नहीं है, बट इन फ्यूचर जरूर होगी, क्योंकि जिस हिसाब से आईक्यूब और ओला गाड़ियां सेल हो रही है ना, ये जो टॉप 3 लिस्ट है चेंज कभी ना कभी होगा, बहुत जल्दी होने वाला है। तो 3rd पोजीशन में है सुजुकी की एक्सेस, 57,041 यूनिट इन्होंने सेल किया, बहुत बड़ा नंबर है, एक्चुअल में काफी बड़ा नंबर है। और जो सेकंड नंबर पे आते हैं दैट इज टीवीएस की जुपिटर। ऑब्वियसली बात है, दो ही सबसे ज्यादा नाम चलते हैं, टीवीएस जुपिटर और होंडा एक्टिवा। सेकंड पोजीशन में है टीवीएस की जुपिटर, 83,130 यूनिट इन्होंने सेल किया। और नंबर वन पे जो पोजीशन में जो कंपनी है, ऑब्वियसली बात है होंडा एक्टिवा ही है, बट उनके सेल्स फिगर है ना इतने ज्यादा है, मतलब कोई उनके पास आ ही नहीं सकता, इतनी गाड़ी सेल होती है। लगभग सेल हुआ है 2,35,056 यूनिट, इतनी गाड़ियां सेल हुई है। ये है टोटल टू व्हीलर इंडस्ट्री की सेल्स रिपोर्ट, और इसमें मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी इंक्लूजन किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी रिपोर्ट्स को भी ऐड किया है। तो देख सकते हो अभी के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से दो कंपनियां हैं जो राइट नाउ कॉम्पीट कर रही है इंडिया में टू व्हीलर कैटेगरी में पेट्रोल के साथ, वो है ओला एंड टीवीएस। दूसरी कंपनी भी कर रही है, बट इनके जो सेल्स फिगर है वो एक्चुअल में आईसी इंजन कंपनियों को काफी ज्यादा दर्द देने वाला है। वैसे तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा सा इनोवेटिव ट्राई करने का ट्राई किया, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग रिपोर्ट है। ईवी सेल्स रिपोर्ट, ईवी रिपोर्ट वो तो मैं देता रहता हूँ, बट क्या ईवी कंपनी कहां रिलाई करती है एक्चुअल में, जो आईसीन जो इतना बड़ा मार्केट है उसमें भी कंपीट कर पा रही है? तो यस, कंपीट कर पा रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।